चलिए दोस्तों, तो आज आ गए हैं हम एक और नई प्रॉब्लम और एक नए सॉल्यूशन के साथ। देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो आज हमारे पास ये ट्रक आया हुआ है। सबसे पहले तो मैं इसे ओपन करूँगा यहाँ से। इसकी बैटरी हमारी कनेक्टेड है और मैं इसे यहाँ से ऑन कर दूँगा। तो देख लीजिए, हमारा ट्रक ऑन हो गया है। देख लीजिए इस तरीके से इसकी LED जल गई है। मैं आपको एक बार स्टूडियो की लाइट ऑफ करके दिखा देता हूँ। ये हमारा कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर भी रिमोट में सेल डाल दी है। अब सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देख लीजिए, मैं इसे चला रहा हूँ, ये नहीं चल रहा। और इसे लेफ्ट राइट कर रहा है तो ये लेफ्ट राइट हो रहा है। तो अब हमें देखना होगा सबसे पहले तो प्रॉब्लम किस में है, गाड़ी में है या हमारे रिमोट में है। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, रिमोट का हमारा ये LED भी ग्लो नहीं हो रही है। यहाँ से देख लीजिए, ये तो घूम रहा है हमारा, लेकिन LED ग्लो नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हमें इसे खोल के देखना होगा, इसमें कहीं इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। तो यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। यदि आपको टॉयज रिपेयरिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस चैनल को में आपके जो भी टॉयज हैं उसे देखें और इसका सबसे ईजी सॉल्यूशन पा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इसे पूरे को ओपन कर लूँगा, इसमें कहीं क्या 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 दिक्कत है। तो मैंने अभी इसे ओपन कर लिया है, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं इसके अंदर। इसमें क्या प्रॉब्लम है, और ये हमारे स्विच काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसके स्विचों को शॉर्ट करके देखना होगा यहाँ से, तब हमें पता चलेगा। तो अब मैं इसके स्विचों को शॉर्ट करता हूँ, देख लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ से इसके भी स्विच शॉर्ट कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन यहाँ से ये तो काम कर रहे हैं, लेकिन ये स्विच शॉर्ट करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हमें। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्विच हमारे ठीक हो सकते हैं। हमारे क्या पता कोई अंदर ट्रक से ही टायर टूटे हों। तो उसे चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसे जिस कंडीशन से खोला था पहले, तो हम इसे उसी कंडीशन में फ़िट कर देंगे वापस से। तो पहले मैं इसे वापस से उसी कंडीशन में फ़िट करूँगा ताकि हम इस ट्रक को वापस से चेक कर सकें, क्योंकि हमें यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। हमने इसे वापस से उसी कंडीशन में लगा दिया है, सॉरी। मैं इसे फिट कर देंगे अभी हम। लेफ्ट राइट तो काम कर रहा है हमारा, लेकिन ये आगे पीछे नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले मैं इसे साइड में रख दूंगा और इस ट्रक को ओपन करेंगे। अब सबसे पहले मैं इसे ऑफ़ कर लेता हूँ यहाँ से। ऑफ़ करने के बाद में अब हम देखेंगे कहाँ से ओपन होगा हमारा। तो अब हमने इसे यहाँ से भी ओपन कर लिया। तो अब यहाँ से ओपन करने के बाद हमें सारी चीज़ें क्लियर होंगी यहाँ से क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि इसका जो पीछे वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमारा पीछे वाला पोर्शन है इसका, तो इसके वायर ये वाले हैं, तो इसे हम निकाल लेंगे पहले। तो बाहर इसे निकाल लेंगे हम। तो अब हमने इसे बाहर निकाल लिया, देख लीजिए ये वायर मैंने बाहर निकाल ली है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एक बैटरी लेंगे, कोई भी एक बैटरी ले लीजिए आप, और उस बैटरी को एक मैंने बैटरी ले ली, उससे हम डायरेक्ट पहले तो इसके मोटर को चला के देखेंगे। देख लीजिए कोई भी इसमें रिजल्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हमें कन्फर्म हो गया कि ये मोटर हमारी यहाँ से ऑन नहीं है, तो इसमें वायर टूटा है या कोई और प्रॉब्लम है।
अब हम क्या करेंगे कि एक बार ये भी चेक कर लेंगे मल्टीमीटर की सहायता से कि इसमें वोल्टेज आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे हम मल्टीमीटर को रख लेंगे, इसे वोल्टेज की रेंज में सेट करेंगे। देख लीजिए मैंने वोल्टेज की रेंज में इसे सेट कर दिया है, और यहाँ पे इन पॉइंटों पे जो कि मोटर के पॉइंट थे, इन पॉइंटों पे हमें वोल्टेज को चेक करना है। तो मैं अभी दोनों पॉइंटों को सेट कर देता हूँ और कार को नीचे से ऑन कर देता हूँ। तो मैंने अभी कार को ऑन कर दिया है और वोल्टेज के पॉइंट पे इसे लगा दिया है। अब देख लीजिए जब भी मैं वहाँ से पुश कर रहा हूँ, देख लीजिए स्विच को, देख लीजिए किस तरीके से जब भी मैं यहाँ से स्विच को पुश कर रहा हूँ तो हमें वोल्टेज मिल रहे हैं, किस तरीके से मिल रहे हैं देख लीजिए। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी ये प्लेट सही है, मोटर के वायर में ही प्रॉब्लम है। तो मल्टीमीटर को मैं अब साइड में रख देता हूँ एक बार। तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे कि वापस से इसे सोल्डरिंग कर देंगे जहाँ से हमने इसे ओपन किया था। तो सोल्डरिंग करने से पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो ये मोटर वाला सेक्शन है इसे भी ओपन कर लेंगे कि कहाँ से ये प्रॉब्लम बनी। उसके लिए हमें सबसे पहले इसके व्हील खोलने पड़ेंगे। तो मैं इसके व्हील ओपन कर देता हूँ व्हील, ताकि हमें आसानी रहे इसका काम करने में। ठीक है, तो अब मैंने इसके व्हील खोल दिए हैं, इस साइड में रख देता हूँ मैं। व्हील खोलने के बाद में अब हम क्या करेंगे कि इसके इसे भी खोल लेंगे। तो अब हम इसे ओपन कर देंगे। तो देख लीजिए अब हमने इसे भी ओपन कर दिया है। ठीक है, ये इसकी मोटर है जिसे यहाँ से निकाल लेंगे हम, ये इसकी मोटर है ये। तो अब हम देखेंगे चल क्यों नहीं रही है, क्या कारण है इसका नहीं चलने का, इसे चेक करना होगा हमें। अब इसे मैं चेक करता हूँ। तो देख लीजिए हमारी मोटर रन नहीं कर रही है किसी भी तरीके से। तो ये मोटर में प्रॉब्लम है, वायर में प्रॉब्लम है। इसे देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोटर को ओपन कर लेंगे यहाँ से। मोटर को ओपन करूँगा मैं यहाँ से, मोटर को ओपन किया, देख लीजिए इसके बूस्ट टूटे हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसे चेंज करेंगे। तो इसे चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, मोटर हमें यही लेनी है। ठीक है, सेम टू सेम हमें यही मोटर लेनी है। इसे थोड़ा सा साफ कर लेंगे। और नई मोटर ले लेंगे हम। तो मैं नई मोटर ले लेता हूँ इसमें। तो मैंने ये नई मोटर ले ली है। इसका नीचे वाला पोर्शन जो होगा उसे हमें लगाना होगा इसमें। तो अभी नीचे वाले पोर्शन को मैं इस तरीके से इसमें फिट कर दूँगा, क्योंकि जो इनकी मोटर होती है उनकी वाइंडिंग कुछ अलग होती है। तो ये हमने मोटर फिट कर ली है। ठीक है, तो अब एक बार हम चेक करके देखते हैं इसको। तो ये बैटरी ले लूँगा मैं और बैटरी से इसे ऑन चला के देखूँगा एक बार। तो ये ऑन हो गई हमारी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें से वायर को हटा लेंगे और यहाँ पे हम सोल्डरिंग करेंगे। तो इसमें मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ। तो अब मैंने इसमें सोल्डरिंग कर दी है और ये हमारा वायर जुड़ चुका है इसमें। ठीक है, तो एक बार हम वापस से इसे टेस्ट कर लेंगे कि हमारी मोटर चालू है कि नहीं। आप देख पा रहे हैं प्रॉपर चालू है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे जैसे खोला था सेम उसी कंडीशन में इसे फिट कर देंगे।
में इसे हम पैक कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसे भी फिक्स करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सोल्डरिंग कर लेंगे, यहाँ से इसे निकाल लेंगे नीचे से इस वायर को, और यहाँ पे इसकी सोल्डरिंग करेंगे जो इसके वायर थे। पहले चेक करेंगे हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड हमारा सही फिरना चाहिए, तो मैं इसकी सोल्डरिंग कर लेता हूँ यहाँ। ठीक है, तो अब एक बार मैं इसे ठीक है, अभी थोड़ी इसकी बैटरी कम है इसलिए, तो एक बार चेक करेंगे वापस से। अब हमें क्या करना है, वापस से व्हील इसके सेट कर देंगे हम, जो जहाँ से निकाले थे उन्हें वहीं पे सेट कर देंगे हम। ठीक है, जो भी चीज़ें जहाँ से निकाली थी उसे वहीं सेट कर देंगे। ठीक है, तो ये अब हमने व्हील सेट कर दिए हैं इसके। अब वापस से इसको भी हम फिक्स कर देंगे यहाँ, सॉरी इसे भी अब हम यहाँ फिक्स कर देंगे, जिधर से हमने इसे निकाला था उसी जगह पे हम वापस से एक बार इसे फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो इसे भी मैं फिक्स कर देता हूँ। तो अब हमने इसे फिक्स कर दिया है, और अब हम ऊपर से भी इसे पैक कर देंगे। तो इसे मैं पैक कर देता हूँ। तो अब हमने इसे लगभग पैक कर दिया है, ठीक है। तो अब हम इसे साइड में रख देंगे, और अब हम रिमोट को पैक करेंगे। इसे फिक्स करने के बाद में अब हम इसमें नट बोल्ट कस देंगे। तो अब हमने इसे पूरी तरीके से रिपेयर कर लिया है, तो देख लीजिए प्रॉपर चल रही है, और ये तो यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।